मशहूर समाज सेवक और पत्रकार एहसान रेहान के जन्मदिन पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही शानदार तरीके से किया गया। इस मौके पर एहसान रेहान ने पत्रकार सलामत अली के साथ मिलकर इंग्लिश चैनल टाइम्स वन न्यूज भी लॉन्च किया। इस मौके पर एडवोकेट आभा सिंह, वाईपी सिंह, विधायक वारिस पठान, समाज सेवक शादाब पटेल, वक्फ बोर्ड मेंबर खालिद बाबू कुरेशी, एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मुंबई अध्यक्ष एसपी आहूजा, मुंबई हलचल के संपादक दिलशाद खान, बीजेपी अल्पसंख्यक महाराष्ट्र सचिव उस्मान खान, एनसीपी नेता साजिद पटेल, जकी पटेल, टाइम्स ग्रुप से मालती जैन सहित कई बड़ी हस्तियां मौजूद हुई। A very happy birthday to Ahsaan Rehan. Every year for us it's a must that we must be there for his birthday. My best wishes to a successful career. He does so much of social work. I hope that we see him in politics one day. We see him as a youth leader who motivates and mobilizes the youth to make India a stronger country. Happy birthday, Rehan. You are doing so good for the society. And with such a glittering gathering which is there, certainly this is going to be a very nice evening. All the best. हमारे रेहान भाई को आज के दिन बहुत ही शुभ जन्मदिन की शुभकामनाएं हो। ये बढ़िया सा माहौल है जुहू बीच के किनारे, बढ़िया जगह, बढ़िया शाम। आज की शाम बहुत ही ज़बरदस्त हो और रेहान भाई टर्न्स वन ईयर यंगर। माई ऑल माई गुड विशेज टू हिम। आई विश हिम अ ग्रेट बर्थडे एंड अ ट्रिलियन मोर, लोड्स ऑफ हैप्पीनेस। विशिंग एहसान अ वेरी हैप्पी बर्थडे, हैव अ लवली इवनिंग एंड गॉड ब्लेस ऑलवेज। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एहसान रेहान साहब को आज उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे और ये खुश रहे। उसके बाद आज दूसरा जो खुशखबरी है यहाँ पर वो है टाइम्स न्यूज़ चैनल की, आज टाइम्स वन न्यूज़ चैनल की आपने ओपनिंग किया। एक सलामत भाई जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं उनको भी दिली मुबारकबादी में पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि उनका चैनल बहुत अच्छी तरीके से सब कवर करे और देश दुनिया में एक नाम रोशन करे, सच्ची पक्की रिपोर्ट करे। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया की इसमें आप तहलका करो, ये मेरी इच्छा है। जो आपकी तो रिपोर्टिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हमेशा से देखा है। बस इसी मुबारकबादी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम का जो मुझे आप बुलाया और आपके सामने खड़े रह के बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद एहसान भाई को उनके जन्मदिन के ऊपर। वो हज़ारों साल जिए, बहुत अच्छा काम करते हैं, एक अच्छे नामचीन सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और साथ ही साथ बहुत सारे अच्छे काम भी करते हैं। कॉम्बिनेशन जो है वो दोनों का बहुत अच्छा है, सलामत भाई का और एहसान का। दोनों मिलके अगर ये न्यूज़ चैनल चालू किए तो ये बहुत ऊँचाइयों तक जाएगा और इंशाल्लाह सच्ची खबरों का तहलका मचाएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अपनी तरफ से मिथिला पुरोहित की तरफ से ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट जिसका मुंबई का मैं अध्यक्ष हूँ, कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन जिसका फिर से मैं अध्यक्ष हूँ और अपने आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से एहसान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और शुभेच्छा देता हूँ कि आज उनका जो जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं एस्टेला में, ये मैं पिछले साल भी इनके जन्मदिन पर गया था और बड़े धूमधाम से सभी वर्ग के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, मुंबई के जो क्रीम ऑफ क्राउड है यहाँ बुलाते हैं, वो बुला के सबको शामिल करके ये खुशी का मौका ये मनाते हैं। तो मैं एहसान रेहान जी को बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से देता हूँ और भगवान से, वाहेगुरु से, अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि ऐसी जो अपने ये नया न्यूज़ चैनल उन्होंने जो लॉन्च किया है, ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहे और समाज की सेवा, सोशल वर्क में जो लगे हैं सोशल वर्क करके, और दुनिया का, मुंबई शहर का, महाराष्ट्र का, हिंदुस्तान का और ग्लोबली दुनिया का ये कुछ फ़ायदा हो, लोगों को सीख मिले और
लोग इनके न्यूज़ चैनल को देख के जो रिमोट खबरें हैं, जो खबरें दुनिया को पता लगनी चाहिए, वो खबरें ये दिखाते हैं, दिखाएंगे। और हमारे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम, हर धर्म मज़हब को जोड़ने का काम और कौमी एकता जो बोलते हैं उसको, ये काम जो कर रहे हैं करते रहेंगे। मैं फिर से अपनी तरफ से और निखिल जी की तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिस्टर एहसान रेहान जी को अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन्स मेरी तरफ से। और टाइम्स वन जो चैनल है उसको भी जो लॉन्चिंग है उसकी, तो उस पर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि बहुत अच्छा काम करे आप। स्पेशल डे एंड आई विश रेहान बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज बर्थडे। जन्मदिन की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। And every year he gives the best birthday bash and I'm really enjoying it here. It's very nice and we all are going to have fun. एहसान भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो अभी एहसान भाई नया चैनल लॉन्च कर रहे हैं इसके लिए हमारी दिल से इनको हार्दिक शुभकामनाएं। एहसान भाई हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू एहसान भाई, थैंक यू। अभिषेक मिश्रा, सीईओ ऑफ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। हमारा अपकमिंग अवार्ड 20 फरवरी JW मैरियट में होने वाला है और मेरे तरफ से और पूरे DPIF टीम की तरफ से रेहान भाई को बहुत बहुत बर्थडे की शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे भैया, लव यू। आई वांट टू से एक्चुअली विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एहसान, बिकॉज ही इज़ अ वेरी नाइस, वेरी स्वीट और वो जो भी चाहते हैं लाइफ में उनको सब कुछ दे ऊपर वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ न्यू ईयर and it's a great event or occasion is sir ka birthday hai, Rehan sir ka birthday hai, so I'm really happy and I wish him a very 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 happy birthday or I'm feeling happy, what to say, unke liye bahut sari good wishes and of course he will be fantastic and this year is also fantastic. Is wishing Ahsaan bhai a very very happy birthday. I'm here to wish him and my friend Sophia, hi, the upcoming actress, and बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको एंड आई होप ही राइज एंड शाइन। 2019 में इनका बर्थडे बहुत सही टाइम पे आता है, जनवरी में, टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। लव यू ऑल, थैंक यू। आई एम विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एनीथिंग यू वांट टू से? या विश यू टन्स ऑफ सक्सेस। ऑलराइट। 3 साल से वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे बुलाने की कोशिश कर रहे थे। आई हैव बीन बिजी बट बीइंग हिज गुड फ्रेंड आई रियली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट और हर साल यंग यंग लगते रहो और भगवान करे हम भी ऐसे यंग होते रहे हर साल का साल एंड विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज बर्थडे। शुभकामना यही है हमारे रेहान भाई के लिए, एहसान भाई के लिए, कि माशाल्लाह इस तरह से तरक्की करते रहे और इनकी दिन दुगनी रात चौगनी हो और इस तरह से वो तरक्की करे और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ उनकी जन्मदिन की। बस इसके साथ में दुआओं के साथ अपने लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। बस रेहान भाई के लिए बहुत बहुत जन्मदिन की उनको शुभकामनाएं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, तरक्की दे और इसी तरह हम लोग को हर पार्टी में बुलाते रहे हर साल, इसी तरह हमारी खुशी भी बढ़ती रहे और उनको बहुत बहुत मुबारक हो। हम यहाँ पे सब आज दोस्त जमा हुए हैं, हमारे भाई, हमारे बहुत अच्छे दोस्त रेहान एहसान साहब के बर्थडे के लिए। मैं अपनी तरफ से यानी खालिद बाबू कुरैशी, मैं मेंबर महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड, और मेरे भाई जकी पटेल, साजिद पटेल, साकिब माहिमी और मोइन अजमेरी की तरफ से और मेरे जितने भी सब दोस्त की तरफ से रेहान एहसान को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि अल्लाह ताला रेहान एहसान को और तरक्की दे और इससे बड़ी बड़ी वो दावतें और पार्टीज़ रखें। थैंक यू वेरी मच। मैं उसमें भी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा हमारे सलामत भाई को और एहसान भाई को और बहुत बहुत शुभकामनाएं चैनल शुरू करने की और बेस्ट ऑफ लक मेरी और मेरे दोस्तों की हमेशा आपके साथ शुभकामनाएं और सपोर्ट रहेगा। मैं मेरे तरफ से, मेरे पार्टी के तरफ से, NCP पार्टी और मैं मीरा भाईंदर का युवा जिला अध्यक्ष हूँ। मैं मेरे पार्टी की तरफ से और मेरे सभी दोस्तों की तरफ से उनको, रेहान भाई को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और उन्होंने नया जो चैनल लॉन्च किया उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हमारे सबकी तरफ से। धन्यवाद। सलाम, सभी को नमस्कार और इनके नए चैनल के लॉन्च की मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और रेहान जी के बर्थडे की मैं बहुत बहुत उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वो जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000,
बस इसी तरह वो आगे बढ़ते रहे, यही शुभकामनाएं मेरे उनके साथ रहेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र। आई एम वेरी मच हैप्पी, इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। माय ब्रदर्स टर्न्ड ओल्ड, अ बिट मोर यंगर देन बिफोर, ही इज ऑलवेज रॉकिंग, अ वेरी जॉली हैप्पी पर्सन। आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम एज माय ब्रदर एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस ओकेशन, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ओकेशन। आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग इन सम टाइम and going to be supporting him. He is always there by my, like my elder brother. I'm happy for that. And long wishes for his life. Lot of blessings, lot of love and support. He's always been there for me. I'm very glad and thankful to him. May Allah give him a long life and all the success and wishes. Thank you.